हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो केबल होते हैं, इन केबलों के बीच में जो जॉइंट लगाते हैं, जॉइंटों पे जो पंचर होता है वो कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले ये दो मैंने केबल लिए, दोनों केबलों के ये जो वायर है इनको टेढ़ा मेढ़ा छिला, दोनों को छिलने के बाद में एक वायर को मैंने ऐंठ दिया प्लायर से। तो इसी तरह आपको एक वायर को प्लायर की सहायता से ऐंठ देना है। तो उसके बाद में मैंने पंचर की कटिंग की है, और पंचर की कटिंग करने के बाद में आपको पहले पंचर लगाना है उसके ऊपर। ये देखो, मैंने इस वायर के ऊपर पंचर लगा दिया। पंचर लगाने के बाद में आपको टेप लगानी है। तो ये जो पंचर है आपको पूरा टाइट लगाना है, ताकि ये जॉइंट जो है ये पानी के अंदर ही रहता है, तो इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए जॉइंट के अंदर। अगर जॉइंट के अंदर पानी चला जाएगा तो ये मोटर जो है वो, ये मोटर भी जल सकती है, और इसके ये जो जॉइंट है ये जॉइंट भी जल सकते हैं, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और इन वायरों की कटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वायर है टेढ़े मेढ़े कटे हुए होने चाहिए, ताकि इनका जो जॉइंट लगाते हैं उसके अंदर खिंचाव ना आए, और एक दूसरे के सामने भी ना हो, ताकि ये जॉइंट जो गर्म होंगे तो एक दूसरे के सामने होने से क्या होता है कि ये एक दूसरे के चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो हमें ये टेढ़े रखने हैं थोड़े जॉइंट जो है, तीनों जॉइंट। ये मैंने तीनों जॉइंट कर लिए, तीनों जॉइंट हमारे टेढ़े जॉइंट हो गए। इन तीनों जॉइंटों पे हमें टेप पेंचर लगा के उसके ऊपर टेप लगा देनी है, और उसके बाद में इन तीनों वायरों के ऊपर भी हमें पेंचर लगा के उसके ऊपर टेप लगानी है।